Hi guys, I'm Kiran and welcome back to my channel. As you must have known from my last video that I was pregnant and now I've already delivered my baby in January 2022. I thought now that I've already experienced the entire 9-10 months of pregnancy, I can now tell you ke ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी कितनी बार आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, कितने टेस्ट होते हैं, कितने अल्ट्रासाउंड होते हैं, कितने ब्लड रिपोर्ट्स वगैरह आपको दिखानी पड़ती हैं. तो आई विल मेक अ शॉर्ट वीडियो समराइजिंग ऑल द थ्री ट्राइमेस्टर्स कि तीनों ट्राइमेस्टर में आपको कितनी बार डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है या कितने अल्ट्रासाउंड और कितने ब्लड रिपोर्ट टेस्ट आपको कराने पड़ सकते हैं. सो लेट्स बिगिन एंड लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट ट्राइमेस्टर. सो एज यू मस्ट हैव सीन फ्रॉम माय लास्ट वीडियो, आपको डॉक्टर यहाँ पे मिलने में थोड़ा टाइम लग सकता है वंस यू फाइंड आउट दैट यू आर प्रेग्नेंट. व्हेन आई गॉट टू नो, मुझे कम से कम 6-7 हफ्ते लग गए थे टू फाइंड अ डॉक्टर एंड आई फाउंड वन एट सेंट मैरीज हॉस्पिटल. सेंट मैरीज के आई थिंक साथ ही एक फैमिली क्लिनिक है जहाँ पे रेजिडेंट डॉक्टर्स होते हैं एंड दे फॉलो यू अप और आपका जो डिलीवरी है सेंट मैरीज में ही होती है. सो मेरा पहला अपॉइंटमेंट विद माई डॉक्टर वॉज एट 10 weeks और वो जो पहला अपॉइंटमेंट था वो काफ़ी लंबा चला था. उसमें उन्होंने काफ़ी डिटेल में मुझसे पूछा था अबाउट माई मेडिकल हिस्ट्री, माई फैमिलीज मेडिकल हिस्ट्री, माई हस्बैंड्स मेडिकल हिस्ट्री, हिज फैमिलीज हिस्ट्री. पहला अपॉइंटमेंट इज़ ऑलवेज वेरी लेंदी. ऑल्सो फर्स्ट अपॉइंटमेंट में दे हैड आस्क्ड मी टू गो टू द सेंट मैरीज हॉस्पिटल एंड ओपन माई फाइल बिकॉज अगर आप इस क्लिनिक में फॉलोअप कर रहे हो तो डिलीवरी सेंट मैरीज हॉस्पिटल में ही होती है. तो आई वेंट देयर एंड आई ओपन माई फाइल ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ माई अपॉइंटमेंट. फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही आपका एक अल्ट्रासाउंड भी होएगा और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपका एक ब्लड टेस्ट भी होएगा. वो पहली अपॉइंटमेंट जब थी तभी मैंने जाके सेम टाइम अल्ट्रासाउंड की अपॉइंटमेंट ले ली थी सेंट मैरीज हॉस्पिटल में जाके ऑन द फर्स्ट फ्लोर. और ब्लड टेस्ट जो है वो आप ऑनलाइन बुक करते हो, वो आपको बता देंगे कौन सी वेबसाइट है, यू कैन गो एंड बुक योर ब्लड टेस्ट ऑनलाइन. ब्लड टेस्ट भी आपका सेंट मैरीज हॉस्पिटल में ही होता है. वॉट यू कैन डू इज यू कैन टाइम योर ब्लड टेस्ट एंड अल्ट्रासाउंड अपॉइंटमेंट ऑन द सेम डे ताकि आपको बार बार ना आना पड़े. So that is it in the first trimester. One doctor appointment, one ultrasound and one blood report. उसके बाद they had told me कि मुझे next कब आना है. तो same day मैंने वहीं के वहीं receptionist से जाके अपना next trimester का appointment भी book कर लिया था. Which you should do because otherwise यहाँ पे बहुत मुश्किल से ही appointments मिलती हैं. तो जितना जल्दी आप book कर लो उतना better. Now comes the second trimester. सो सेकेंड ट्राइमेस्टर में मुझे डॉक्टर ने दो बार बुलाया था. देवर टू फॉलोअप्स एंड सेकेंड ट्राइमेस्टर में देवर वन मोर अल्ट्रासाउंड एंड वन मोर ब्लड टेस्ट. तो सेकेंड ट्राइमेस्टर के पहले अपॉइंटमेंट में डॉक्टर को मेरे प्रीवियस अल्ट्रासाउंड और ब्लड रिपोर्ट्स का जो भी रिपोर्ट्स था वो मिल गई थी. सो दैट इज़ वॉट शी डिस्कस्ड विद मी कि अल्ट्रासाउंड आपका ठीक है, नॉर्मल है, ब्लड टेस्ट में आपका ये आया है. मेरे ब्लड टेस्ट में आपका मेरा ये आयरन लेवल्स कम थे तो उन्होंने मुझे एक मेडिसिन प्रिस्क्राइब की थी. And she had told me to repeat the blood test the next time just to see कि iron medicines काम कर रहे हैं कि नहीं and do I need to take another क्या कहते हैं उसको, do I need to continue taking them or not. हाँ तो then I had to again get a blood test. तो first appointment में she saw my reports. Then same day I booked my ultrasound and same day I booked my blood test. And again towards end of the second trimester she again saw my reports and called me for the third trimester. और थर्ड ट्राइमेस्टर दिस इज़ द टाइम जब आपकी अपॉइंटमेंट्स और यू नो टेस्ट वगैरह बढ़ जाते हैं. इट्स नॉट लाइक आपको एक या दो बार ही बुलाएंगे. थर्ड ट्राइमेस्टर विच फॉर मी वॉज नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी इज़ द टाइम मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स जब मैं हॉस्पिटल गई होंगी फॉर फॉलोअप्स. इन फैक्ट द लास्ट मंथ दे कॉल यू एवरी वीक. तो इन टोटल इन द लास्ट ट्राइमेस्टर आई वेंट फॉर अ फॉलोअप टू डॉक्टर 7 times. मैं 7 बार ड�ctor से मिली जाके, 4 times तो last 1 महीने में ही. And once I went in November, twice in December and three times in January and January last week I delivered. Also third trimester में not necessarily वो सबका अल्ट्रासाउंड करते हैं but अल्ट्रासाउंड कईयों का होता है कईयों का नहीं, मेरा हुआ था. So this was the third ultrasound that I did and there was also a blood test. Overall इतनी बारी मुझे hospital में बुलाया गया था which in total is around 17 to 18 times roughly I would have gone to the hospital for either a follow-up or ultrasound or a blood test. Now depending on each one of us, our condition, किसी को ज़्यादा blood test के लिए बुलाते होंगे, किसी को कम ज़्यादा ultrasound के लिए बुलाते होंगे, किसी के follow-up ज़्यादा होते होंगे, but more or less आप लगा लो 15 to 20 times तो आपको जाना ही पड़ेगा. मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल इसलिए था बिकॉज माई थर्ड ट्राइमेस्टर वॉज इन पीक विंटर्स, दिसंबर एंड जनवरी में. तो आई हैड टू गो टू दी हॉस्पिटल मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स ड्यूरिंग स्नोफॉल एंड ऑल ऑफ दैट. तो दैट वॉज अ लिटिल इनकन्वीनियंट. आई इवन आस्क द डॉक्टर कि कैन आई स्किप वन अपॉइंटमेंट और टू बिकॉज जनरली वो दे वॉट दे डू इज दे टेक योर बीपी, चेक योर वेट, आस्क इफ यू ओके और नॉट. एंड आई थॉट आई कुड हैव मिस्ड और स्किप्ड अ फ्यू अपॉइंटमेंट्स हियर एंड देयर बट दे से नहीं, लास्ट ट्राइमेस्टर तो यू हैव टू कम एवरी वीक, वी नीड टू फॉलो अप एंड मॉनिटर यू.
वन थिंग, अगर आप सेंट मरीज में जा रहे हो तो जस्ट कीप इन माइंड, अल्ट्रासाउंड के लिए जब आप जाते हैं देर इज़ अ लॉन्ग वेटिंग। इवन इफ़ योर अपॉइंटमेंट इज़ एट 10 o'clock, हो सकता है आपका नंबर 12-1 बजे तक आए। लाइक द फर्स्ट टाइम आई वेंट है, आई वेंट एट 11 और वो चला था कम से कम आई थिंक 2-2.5 बजे तक जाके मेरा नंबर आया था। सो इवन आफ्टर अपॉइंटमेंट यू मे हैव टू वेट। आपका ब्लड टेस्ट के लिए, अल्ट्रासाउंड के लिए सब कुछ 3 बजे वहाँ बंद हो जाता है। सो वेन एवर यू आर गोइंग लाइक टेक इनफ टाइम बिफोर हैंड, 3 बजे के बाद नोबडी इज देयर। ब्लड टेस्ट आपके ऑनलाइन बुक हो जाते हैं, प्रीटी सिंपल स्लॉट्स मिल ही जाते हैं जनरली। अल्ट्रासाउंड इज समथिंग जो उनके पास हमेशा अपॉइंटमेंट्स की दिक्कत रहती है, तो टेक एन अपॉइंटमेंट वेल इन एडवांस। अल्ट्रासाउंड हमेशा आपको सेंट मेरीज हॉस्पिटल फर्स्ट फ्लोर पर जाके ही बुक करना होगा, वो ऑनलाइन बुक नहीं होता है। सो या दैट वॉज अ ब्रीफ इनसाइट ऑफ हाउ मेनी टेस्ट एंड फॉलो अप्स एंड ऑल ऑफ दैट हैपन ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी इन मॉन्ट्रियल। ये इंडिया से आई वुड स्टिल से थोड़ा कम है, बिकॉज आई रिमेंबर व्हेन आई वाज प्रेगनेंट विद माय फर्स्ट चाइल्ड माय डॉटर तारा, तब इंडिया में मैंने डिलीवरी की थी एंड वहाँ पे कई ज़्यादा टेस्ट और कई ज़्यादा ब्लड टेस्ट और कई ज़्यादा अल्ट्रासाउंड वगैरह होते हैं। यहाँ पे आई स्टिल थिंक थोड़े कम थे, यहाँ पे डॉक्टर फॉलोअप ज़्यादा थे बट टेस्ट जो है वो थोड़े कम। सो या दैट वाज दैट, दैट वाज द ब्रीफ इनसाइट ऑन हाउ मेनी टेस्ट एंड हाउ मेनी अपॉइंटमेंट्स यू हैव टू गो फॉर ड्यूरिंग योर 9 months ऑफ प्रेगनेंसी, 9-10 months ऑफ प्रेगनेंसी एंड देन यू हैव योर बेबी। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू एंड आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। बाय गाइज़।